दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफर में। जो लोग झंझोर लगे हुए हैं उनका बेहद स्वागत है। गाइस आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू रीड दृष्टि आईएएस मैगजीन फॉर हिंदी मीडियम। और इसमें हम ये देखेंगे कि एक दृष्टि जो एक मैगजीन है एक्चुअली वो मंथली मैगजीन निकालती है और ये इस समय हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट है। पर लेकिन ये मैगजीन एक्चुअली 300 पेजेस के अंदर कंटेंट में आ रही है, मतलब 280 से लेके 300 पेजेस में आ रही है। तो इसको हम किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से किस तरह से पीटी के लिए पढ़ें, किस तरह से मेंस के लिए पढ़ें, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो कोई आइडिया नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है साथ में, जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो अपनी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा ट्राई टू स्किप दिस वीडियो। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको कुछ आइडिया नहीं है या फिर जो कन्फ्यूज़ हैं। मैं तो जस्ट ये बोलूँगा कि आप यस ये वीडियो गो फॉर इट। तो गाइस इसमें हम थोड़ा सा टॉपिक्स देखेंगे कुछ एनालिटिकल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सी दृष्टि मैगजीन अगर देखें साइड टू साइड, ये एक्चुअली दो पार्ट्स में लिखी जाती है जिनमें एक आईएएस और एक पीसीएस एग्ज़ाम के थ्रू लिखी जाती है। लेकिन ये लेक्चर्स यहाँ पे हमें क्या नाम है आईएएस मैगजीन की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जो लोग पीसीएस भी कर रहे थे यार ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन फॉर द बेस्ट पार्ट इसका मैं ये बोल सकता हूँ कि यस गो फॉर आईएएस। आईएएस के लिए ये मैगजीन थोड़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। पेजेस अराउंड अगेन जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया 280 से लेकर 300 पेजेस हैं। ये प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू जिसके अंदर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 प्लस एसए प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू और मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमें जो मैं लास्ट के जो अगर मैं 9th मंथ की मैगजीन के बारे में बात करूँ तो वो मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ओवरऑल एनालिस के जो एनालिसिस जो इसके क्या कहते हैं, अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो इसके आर्टिकल्स बहुत दमदार हैं। बॉस आर्टिकल्स आर रियली गुड, दे आर यस दे आर पुटिंग रियली गुड एफर्ट फॉर अपने आर्टिकल्स के अंदर। तो हमें जो आर्टिकल्स अगर हमें देखें तो आर्टिकल्स बेस्ड ऑन करंट अफेयर एज वेल एज तो ऑल करंट मसाला जो हमें चाहिए होता है वो ये हमें दृष्टि मैगजीन थोड़ा बहुत हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके अंदर भी 15 से लेकर 17 आर्टिकल्स हमें हर महीने देखने को मिलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर दो दिन के बाद कोई एक आर्टिकल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरह करंट अफेयर के अंदर हमें पॉलिटिक्स सेक्शंस का बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एनालाइज करेंगे तो सोशल और साइंस टेक आज रियली गुड, मैं आपको ये बोलूँगा। एंड इट हैज़ लेस फैक्चुअल डेटा एज वेल एज ताकि सो लेस दिमाग खपाई, यानी दिमाग की जो भसूड़ी जिसको कहते हैं कि दिमाग में सरदर्द एटलीस्ट थोड़ा बहुत कॉर्निकल के हिसाब से कम करता है। कॉर्निकल क्यों क्या क्यों नहीं, मैं ये आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और, इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि बिकॉज आई गॉट वन कमेंट और इट वॉज रियली गुड कमेंट। सो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि कमेंट के थ्रू मुझे कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं, ताकि कुछ इंप्रूवमेंट्स जो मेरे करनी है वो इम्प्रूवमेंट्स भी हो जाती हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू डू कमेंट एज वेल एज ताकि, और मैं हर एक कमेंट को, ऐसा नहीं है मैं हर एक कमेंट को देखता जरूर हूँ, शायद रिप्लाई ना कर पाऊँ पर मैं देखता जरूर हूँ। गाइज ऐसे के लिए भी मैं बोलता हूँ बेस्ट पार्ट है इसका, वेरी एनालिटिकल ऐसे क्या नाम है प्रोवाइड कराते हैं। साइट्स क्या नाम है प्रो और कॉन्स यानी कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव फैक्ट्स दोनों दिखाते हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक ठाक है, नॉट बेस्ट इफ वी कंपेयर विद इंग्लिश मीडियम। तो मैं बोलूँगा ठीक ठाक, यस गुड बट नॉट बेस्ट। एक चीज़ और एनालिसिस हमें ये देखने को मिलता है। फिर साथ में से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हमें देखने को मिलते हैं, जो कंटेंट्स आर रियली गुड और फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव यस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस थिंग्स। तो पका माल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरह इथिक्स के स्टडीज़ की काफ़ी ठीक ठाक है, मुझे ठीक ठाक लगी और कंटेंट वाइज ठीक ठाक है। इसी तरह डिबेट क्वेश्चंस जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं इसके अलग अलग सेक्शंस में आर रियली गुड एंड यू विल गेट लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स एज वेल एज, और साथ में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसी तरह सब इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बाउंसर क्वेश्चंस को ये दृष्टि मैगजीन कोशिश करता है हल करने के लिए, सो मुझे लगता है ठीक ठाक है। मैं आपको ये बोलूँ लेकिन आप इस सेक्शन को जब पढ़ें, जब आपका मेंस क्लियर हो जाए तो आप इस सेक्शन को पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों क्या क्यों नहीं वो बात की बात। गाइस नेगेटिव पॉइंट्स मुझे जो देखने को यहाँ पे मिलते हैं इस मैगजीन के थ्रू, इसका घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र जो मुझे देखने को मिलता है, जस्ट कॉपी पेस्ट करता, नथिंग मोर देन दैट। इसी की वजह से इसका करंट अफेयर जो स्पेशली फॉर द आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप और इको पार्ट वाज द वर्स्ट पार्ट फॉर द दृष्टि। मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं मेहनत कर रही थी इको पार्ट पे और आईआर पार्ट में। सी आईआर पार्ट में आपको बहुत सारी बड़े बड़े आर्टिकल देखने को मिलेंगे, बट अगर जब पढ़ते हो तो आपको भी लगेगा यार क्या ये आधे ज़्यादा इन्होंने रामकथा लिख रखी है। यानी कि हमें आईआर चाहिए एनालिटिकल इन द सेंस क्या इम्पैक्ट पड़ा क्या इंडिया पे क्या नहीं पड़ा, तो हमें ये चीज़ चाहिए। तो इसमें ज़्यादा इन्होंने अगर बोलूँ तो ज़्यादा इन्होंने हवाबाजी टाइप में ज़्यादा लिखा है, यानी कि कंटेंट्स को मतलब फैक्चुअल टाइप में ज़्यादा लिखा है, तो नो एनालिटिकल बात, तो जिस वजह से मुझे आईआर इसका इतना मुझे ठीक ठाक समसामयिक घटना के अंदर मुझे इसका ठीक ठाक नहीं लगा घटना चक्र के अंदर। इसी तरह इको पार्ट नॉट गुड था आल्सो, ये कॉपी पेस्ट करते हैं, सो नो एनालिसिस फॉर पर्टिकुलर दिस सेक्शन। इसी तरह इन्वॉल्वमेंट पार्ट नॉट अप टू द मार्क, सी दे आर प्रोवाइडिंग आल्सो गुड इन्फॉर्मेशन बट
इफ़ यू कंपेयर विद सम अदर मैगजीन सो इम्पोर्टेंट पार्ट दे आर स्टिल लैकिंग। ये मुझे नेगेटिव पॉइंट्स जो अभी तक मुझे लास्ट के 9 मंथ से जो मुझे दृष्टि मैगजीन मुझे देखने को मिलते हैं। इसी तरह करंट अफेयर में कुछ जो पोर्शंस जो अलग अलग पोर्शंस आते हैं बताऊंगा अभी आने वाले सेट्स में क्लियर होगा। की पुटिंग लॉट ऑफ फैक्ट्स प्लस डायरेक्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एज वेल एज साथ में प्रोवाइडिंग इनफ फैक्ट्स विच आर यूजलेस फॉर द प्रिंस प्लस एज वेल एज। ये सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट मुझे दृष्टि के अंदर देखने को मिलती है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। पर क्वेश्चन है यहाँ पे दिमाग में ये भी होगी व्हाई नॉट दृष्टि व्हाई नॉट कॉर्निकल व्हाई दृष्टि दिस टाइम। सी गाइस पेपर ऑलरेडी चेंज हो चुका है अच्छे से 2012 का वेरा खत्म 2013 से तो बिल्कुल डैमेज अप्रोच होगी जिस वजह से कॉर्निकल यहाँ पे फिट नहीं बैठता। हम आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं हमें कंटेंट चाहिए आईएएस का। कॉर्निकल्स क्या है यस दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीसीएस लेवल और एसएससी लेवल तो मैं बोलूँगा यस आग मीच के जाओ अभी भी कॉर्निकल दमदार है फॉर द पीसीएस लेवल। बट जब बात आती है आईएएस की एक यूपीएससी की तो मैं बोलूँगा कि कॉर्निकल इतनी अच्छी नहीं है जितने की दृष्टि है दैट्स इट। इसी के जैसे यही मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा गाइज। इसी तरह लेटेस्ट ट्रेंड अभी दृष्टि में देखें लास्ट के 2 मंथ से जो मुझे देखने को मिल रहा है कि दे आर आल्सो कवरिंग लॉट ऑफ आर्टिकल गुड आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज। लाइक पहले तो इन्होंने द हिंदू को कन्वर्ट किया था लेकिन अब द हिंदू के जस्ट ये पॉइंट वाइज कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं यानी कि जस्ट लिमिटेड द हिंदू को तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में इन्होंने अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू कुछ जैसे ईपीएडब्ल्यू का कुछ इन्होंने हिंदी में आर्टिकल कर दिया। इसी तरह फ्रंट लाइन का कुछ एक आर्टिकल इन्होंने क्या नाम है ट्रांसलेशन कर दी हिंदी में पॉइंट टू पॉइंट तो ये मुझे पैटर्न मुझे ठीक ठाक लगा। हाँ ठीक है लेस सोर्सेज के अंदर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ये मुझे लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से मुझे देखने को लास्ट के 2 महीने से मुझे देखने को ठीक ठाक लगा। तो ओवरऑल हमें हमें जो फाइन जो क्या नाम है फोकस करना है वो प्रिंस मेंस और इंटरव्यू मसाला के लिए हमें क्या नाम है देखने को करना है जिस वजह से पहले हम मेंस पार्ट देखेंगे क्योंकि मेंस पार्ट के अंदर क्योंकि भी जैसे जैसे मेंस आ रहा है तो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं जिस वजह से मैंने सीरीज़ को पहले मेंस पॉइंट पॉइंट व्यू के हिसाब से बनाई है। तो गाइज प्रिम्स इसके बाद इसी के नीचे आपको स्लाइड्स के अंदर क्लियर होगा। तो गाइज जब आप दृष्टि मैगजीन लेते हैं तो आपको 300 पेज की होती है 300 280 से लेकर 300 पेज के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सम ऑफ ऑल द डेटा विद इन जस्ट फ्यू डेज और मेंस भी आ रहा है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है हेक्टिक प्रेशर होता है। तो मैं बोलूँगा जस्ट ट्राई टू दीज ऑल आर्टिकल्स विच यू ऑलरेडी आप देख रहे हैं ट्राई टू बी चूजी। ऐसे नहीं कि सब सारे के आर्टिकल दमदार होंगे नहीं 17 में से एटलीस्ट यू हैव टू रीड एटलीस्ट 14 to 15 आर्टिकल। 2 से 3 आप आर्टिकल्स स्किप बड़े ही प्यार से कर सकते हो। यस इट्स पॉसिबल है 200 और ट्राई टू फिनिश दिस थिंग्स इन जस्ट 2 to 3 सेकेंड्स। एक सिटिंग मैं 2 से लेकर 3 आवर को मानता हूँ लेकिन आप यानी कि 6 से 7 घंटे के अंदर आप सभी आर्टिकल्स को बड़े ही प्यार से फिनिश कर सकते हो। क्वेश्चन होगा कैसे बॉस आई एम ऑल्सो डूइंग सेम थिंग सो अगर जब मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो बस मैं ये जानता हूँ। इसी के जैसे टोटली स्किप करंट अफेयर पार्ट फॉर द स्पेशली फॉर द मेन जो समसामयिक घटना है इज लेस यूजलेस बिकॉज वी आर ऑल्सो रीडिंग न्यूज़पेपर। अगेन कॉपी पेस्ट होगा अगेन ओवरलैप होगा तो इससे मैं बोलूँगा समसामयिक घटना को बिल्कुल स्किप कर दो फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू में वो दमदार बात है वो नहीं लिख पाता जस्ट वो कॉपी पेस्ट फैक्ट्स इधर से दाएं से बाएं करता है। तो मैं बोलूँगा जस्ट स्किप दिस पार्ट। अगर आप ये पार्ट पोर्शन जब आप स्किप कर देंगे तो एटलीस्ट आपके 40 to 50 पेजेस आपके तुरंत स्किप हो जाएंगे इसके अंदर तो आपका यहाँ से जो टाइम होगा क्या नाम है सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी जैसे फोकस मोर ऑन डिबेट इशू यस जस्ट कलेक्ट डेटा लाइक पॉजिटिव नेगेटिव प्लस सजेशन पार्ट दैट्स इट। आपको जैसे इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव सजेशन पार्ट निकालें और ट्राई टू फिनिश विद इन जस्ट 200 वर्ड्स या फिर 150 वर्ड्स के अंदर आप इसको कोशिश करो सो क्या नाम है फिनिश करने के लिए और ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स एज वेल एज क्योंकि जब तक ओन नोट्स नहीं बनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें यहाँ पे आएंगी। गाइज इसी के जैसे फोकस मोर ऑन इथिक्स केस स्टडी केस जब आप केस स्टडी बनाए तो प्लीज़ नो नीड टू सी इट इज आंसर पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको केस स्टडी क्वेश्चन मिला आप खुद सॉल्व करो कोई नहीं यार गलती तो होगा इससे ज़्यादा और क्या होगा कोई गोली तो नहीं मारेगा आपको। एटलीस्ट जब कोई आदमी जब गलती करता है ना उसके बाद कोई जब वो चीज़ सीखता है तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा दिन तक रहता है। इन्हें आपने सोल्यूशन देख लिया हाँ इसका सोल्यूशन ये होगा मैं लिख के देखता हूँ नहीं कोई नहीं गलतियाँ करो ट्राई टू लर्न वी आर लर्निंग ऑन स्टेज हम यूपीएससी के अंदर लर्न ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो मैं आपको ये बोलूँगा जस्ट आप इसमें क्या नाम है पहले क्वेश्चन खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें फिर बाद में उसका आंसर टैली करें हाँ यार मैं कहाँ तक इस चीज़ को सोच सकता हूँ दैट्स इट। और ये फिनिश होगा विद इन जस्ट 2 सेकेंड टू सिटिंग्स इन द सेंस यानी 4 आवर्स के अंदर आप इस चीज़ को बिल्कुल ही प्यार से बड़े ही प्यार से आप इसको खत्म कर सकते हैं। और ट्राई टू अगेन वही शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स जब बनाए तो A4 पे बनाए ब्लैंक पेपर पे क्यों क्वेश्चन होगा भाई बिकॉज क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको यूपीएससी के अंदर ब्लैंक शीट्स ही मिलेंगी ब्लैंक शीट में यहाँ 2 लाइन होगी यहाँ 2 लाइन होगी ऊपर उन्होंने डॉटेड में यूपीएससी लिख रखा होगा दैट्स इट।
बीच में क्वेश्चन होगा, फिर आपको आंसर यहाँ पे जो लेटेस्ट ट्रेंड में लिखना है, क्योंकि इससे क्या होगा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई नयापन नहीं लगेगा, फिर आपको एक आदतें बन जाएंगी, तो आदतें काफ़ी अच्छी होंगी ताकि आप किसी चीज़ को ये नहीं देखेंगे यार ये चीज़ कोई हमारे तरफ से नहीं आ रही है। इसी वजह से मेक सेपरेट सेपरेट सेक्शन फॉर द ईच टॉपिक, जब भी आप ये पूरे डिबेट आर्टिकल्स ऐसे करें तो जस्ट मैं ये बोलूँगा कि ट्राई टू मेक सेपरेट सीट और मेक सेक्शन लिस्ट, लाइक GS1 के लिए कौन सा आर्टिकल फिट रहेगा, GS2 के लिए कौन सा आर्टिकल फिट रहेगा, इसी तरह GS3 के लिए कौन सा आर्टिकल फिट रहेगा। तो आप जब तक ये चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें जो होंगी ब्रीफ में और टू द पॉइंट भी होंगी, साथ साथ फिल्टर होगा, फिल्टर इन द सेंस आपको पता चला हाँ ये GS पेपर 1 के लिए ये मुझे इतने से ये सारे नोट्स यहाँ पे बनाने हैं। इसी के जैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के लिए मैं आपको ये बोलूँगा ट्राई टू टेक जीरोक्स एज़ वेल क्वेश्चन होगा बाय, बिकॉज सी क्योंकि हर एक मैगजीन में से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता है, फिर अगेन अगर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहोगे तो अगेन आपको वही पलटा पलटी सिस्टम स्टार्ट होगा, जिस वजह से टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर पहले इंडेक्स देखोगे, फिर इंडेक्स से लेकर फिर क्वेश्चन आंसर सीट पर जाओगे, तो सी अगेन इंडेक्स देखते वहाँ तक पेज पलटते पलटते आपका टाइम वेस्ट होगा, जिस वजह से मैं आपको ये बोलूँगा कि ट्राई टू टेक जीरोक्स फॉर द स्पेशली फॉर द दिस सेक्शन क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर फॉर्म वेरी गुड फॉर द दृष्टि फॉर एज पर द इंग्लिश कंटेंट एज वेल एज इंग्लिश के साथ दमदार बातें ये भी लिखता है। तो मैं बोलता हूँ कि इसके लिए ट्राई टू डे ऑप्शनल है, बाकी नहीं करना आपके ऊपर, पर मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जेरोक्स लेना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 2-3 रुपये 4 रुपये वेस्ट करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी जैसे ऐसे ऑप्शनल जिसको नहीं पता ठीक है आप ऐसे पढ़ के एटलीस्ट आप देख सकते हो, कि निशांत जैन जी कभी कभी इसमें ऐसे लिखते हैं, काफ़ी अच्छा ऐसे होता है उनका। तो मैं आपको जैसे ये बोलूँगा कि देख लें ऑप्शनल है आपको ठीक रहा लगता है तो पढ़ें, अदरवाइज स्किप इट, ये भी पूरा पूरा वन सिटिंग के अंदर होगा। इसी की जैसे डिबेट डिबेट के अंदर येस बॉस वेरी गुड, अगेन ट्राई टू टेक डायरेक्ट पॉइंट्स एंड ट्राई टू नोट इट डाउन इन योर नोट्स एज वेल एज, जो ये ओवरऑल सब कुछ देखा जाए तो 7 to 8 सिटिंग, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बोलूँ मेंस पार्ट आप एक दिन के अंदर खत्म कर सकते हो बड़े ही प्यार से, यानी 24 आवर्स, ये नहीं कि आप 24 आवर एक ही दिन डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे, नो मीन्स एक दिन में 3 आवर्स पढ़ो, 3 to 2 जा, अगर आप क्या नाम 3-8 जा 24 होते हैं, तो आप यानी कि 8 दिन के अंदर अगर कंटिन्यूटी रखेंगे तो बिल्कुल बड़े ही प्यार से मेंस पार्ट आपका बड़े ही प्यार से खत्म हो सकता है विदाउट एनी हेटेक, मैं आपको ये बोलूँगा। गाइज अब प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बोलूँगा जो जो लड़के प्रिंस के लिए स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स, येस सम आर्टिकल्स यू कैन इग्नोर इट, बट जहाँ पे साइंस टैक आ जाए, इन्वायरमेंट आ जाए, या फिर कुछ आपको ऐसा लगे कुछ नई बात इस आर्टिकल में लिखे, तो प्लीज़ ट्राई टू रीड दैट टॉपिक, बिकॉज क्या पता वहाँ से भी प्रिंस एक क्वेश्चन बन जाए इस आर्टिकल्स का। अदरवाइज बाकी आप लास्ट के जब 3 मंथ्स रह जाएँ, लाइक सपोज अगले जैसे कि अगले साल एग्ज़ाम जब है तो उससे 3 मंथ्स पहले आप ये स्ट्रेटजी ले सकते हो, अदरवाइज बिफोर मैं बोलूँगा येस यू हैव टू रीड आर्टिकल एज वेल एज ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट फॉर द मेन्स प्लस PT पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज, मैं आपको ये बोलूँगा अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो, बट न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है किसी भी हालत में, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो बट एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपकी एक हैबिट बनती है। इसी के जैसे जब आर्टिकल्स कुछ फॉर एग्जांपल 17 में हिसाब रखो, आपको लगा कि 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है PT के, तो 2 आर्टिकल पढ़ोगे तो 15 आर्टिकल्स आप ऑलरेडी स्किप कर दोगे, जब आप 15 आर्टिकल स्किप करोगे तो आपके कुछ 60 से 70 पेजेस आपके स्किप हो जाएंगे प्रिंट के लिए, राइट। इसी जैसे इग्नोर देयर एड्स एज वेल एज लाइक ज्वाइन विद अस वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग लाइक दिस, तो इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करें, जस्ट दे आर फॉलोइंग द ट्रैप एज वेल एज। तो मैं बोलूँगा मैगजीन अच्छी है, ये जरूरी है नहीं कि कोचिंग वाले अच्छे हों, बट हाँ मैगजीन अच्छी है तो मैगजीन की तरफ ज़्यादा फोकस करें, इनके ट्रैप्स इनके जो ये एड्स देते हैं बीच बीच में तो इनसे आप बचने की कोशिश करें, और स्टार्ट विद करंट अफेयर जो ऑलवेज जो आर्टिकल्स के बाद होता है फॉर द PT सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वन, फॉर लाइक सम समय घटनाक्रम या घटनाचक्र जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पॉइंट द मेन पॉइंट ऑफ पॉइंट व्यू ऑफ लाइक प्रीम्स एग्जाम। तो मैं बोलूँगा येस ऑल मसाला दिस टाइप ऑफ थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक प्रशासन घटनाचक्र आपको देखने को मिलेगा, तो रीड इट, बट मैं बोलूँगा बी चूजी, उसमें जब आप सिलेक्टेड ही पढ़ें कि आपको लगता है कि हाँ ये मेरे दमदार है PT के लिए तो आप उसको पढ़ें, अदरवाइज ऑल यू कैन स्किप इट। इसी तरह इको घटनाक्रम बोथ दिस सेक्शन नॉट अप टू द मार्क, हाउ एवर चलेगा भाई लोगों, मैं तो जस्ट आपको ये बोलूँगा कि नॉट अप टू द मार्क, बट आपको लगता है कुछ एक आधा कंटेंट आपको इकोनॉमिक्स में ठीक ठाक लग रहा है तो उसको देख लें, अदरवाइज इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी डे तो दैट वुड बी सफी सफिशियंट है उसके लिए, अदरवाइज बिकॉज ऑल्ड इज गोल्ड। इसी तरह प्रॉब्लम इन दिस सेक्शन फॉर अगर प्रॉब्लम्स भी देखी इकोनॉमिक सेक्शन में ये भी है कि आगे आप कैसे कह सकते हो कि बिकॉज दे रॉट ओनली वन साइड स्टोरी ओनली, दे नेवर मैंशन द नेगेटिव पॉइंट एंड द सजेशन, दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को आप बिल्कुल भी आप स्किप कर सकते हो।
इसका तोड़ भी बताऊंगा, इसका काउंटर, इन द सेंस कि आप इसके लिए और साइड के लिए आप क्या एफर्ट करें ताकि आपका इकोनॉमिक सेक्शन भी ठीक ठाक हो जाए, वो एकदम एंडिंग पार्ट में, कंक्लूजन में आपको बताऊंगा। गाइस इसी तरह आपको वैश्विक घटना चक्र इसमें देखने को मिलेगा, मैं बोलूँगा टोटली इग्नोर इट, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट बॉल बच्चन दिया रखा है और कुछ नहीं है इसके अंदर, जस्ट क्रैप एंड नथिंग एल्स, कि मोदी जी यहाँ गए, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, दैट्स इट। हमें ये चाहिए एनालिटिकल, इंपैक्ट क्या पड़ा, कौन कौन थे, क्या क्या कौन कौन नहीं थे, हमें चाहिए पीटी के लिए। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा वैश्विक घटनाचक बिल्कुल ही इन्होंने क्रैप लिख रखा है और कुछ नहीं, जस्ट ट्राई टू स्किप दिस सेक्शन एज यू कैन, बिकॉज जस्ट दे आर टेलिंग एस लाइक अ प्राइवेट न्यूज चैनल स्टोरी, मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी वहाँ गए, समथिंग लाइक दैट। तो मैं बोलूँगा बेस्ट नहीं है, ठीक ठाक। इसी तरह इन्वायरमेंट के लिए सी लिटिल बिट गुड, बट अगेन ट्राई टू, मैं ये बोलूँगा कि येस लिटिल बिट गुड है, बट अगेन दे आर पुटिंग सो मच फैक्ट्स अगेन, सो इट्स यूजलेस फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज। सो कंटेंट्स आर रियली गुड बट बी चूजी। इसी के जैसे साइंस टेक, येस वॉज वेरी गुड फॉर स्पेशली फॉर द साइंस टेक पोर्शन, तो ट्राई टू रीड ऑल बट बी चूजी अगेन, स्किप दोज विच, अगर आपको लगता है बंदर छाप न्यूज़ है तो आप उसको प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्टोरी। इसी तरह डिफेंस के अंदर अगेन ये दे आर पुटिंग लॉट ऑफ फैक्ट्स एज वेल एज, सो ट्राई टू इग्नोर इट, कि ऐसा नहीं होता कि एक मिसाइल इतने ग्राम की है तो इतने ग्राम का यूपीएससी के अंदर आएगा, 18 kg ग्राम की, लाइट सपोज 180 kg, तो इस तरह के स्टूपिड फैक्ट्स को इग्नोर करो, बस उसकी मेन थीम को पढ़ने की कोशिश करो। बस मैं आपको बोलूँगा कि भाई मिसाइल क्या है, ये वायु टू अग्नि है, मीन्स धरती से आकाश में जाती है या आकाश से धरती में आती है, इसके अंदर क्या क्या नए नए कंपोनेंट्स लगे, आप बस आप उसको क्या नाम है सर्च करें, क्योंकि इस साल यूपीएससी के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आया भी है। इसी की जैसे कल्चर ठीक ठाक है, नॉट बेस्ट, पर मैं बोलूँगा हाँ ठीक ठाक है, काम चल सकता है, बट इसके लिए भी काउंटर दूंगा कि इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं आगे। गाइस इधर पर्सन इन न्यूज़, सी पर्सन इन न्यूज़ में जैसे फोकस करो पीस वाले वर्ड पे, इन्वायरमेंट वाले वर्ड पे, ह्यूमन राइट्स वर्ड्स पे, क्योंकि इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस यूपीएससी का इन्फ्लुएंस इन्हीं तीन वर्ड्स पे सबसे ज़्यादा देखने को, अगर मैं थोड़े पेपर एनालिसिस करूँ पीटी के, तो यहीं देखने को मिलता है। जहाँ पीस इन्वायरमेंट समथिंग कुछ आपका अवार्ड वुड मिल जाए तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर नोट्स एज वेल एज, बाकी सब कुछ स्किप कर दो, कुछ नहीं है, सब कचरा है और कुछ नहीं है। इसी तरह स्पोर्ट्स टोटली स्किप इट, आँख मीच के इसको अच्छे से बंद कर दो। इसी तरह गाइज फॉर इंटरव्यू पर्पस मैं बोलूँगा जब आपका मेंस क्रैक हो जाए, मीन्स जब आप मेंस के पेपर दे दो तो फिर आप इस सेक्शन को छेड़ो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें अभी पीटी मेंस पे ज़्यादा फोकस करना था, फिर क्योंकि मेंस के बाद बहुत दिन होते हैं, 2 महीने इनफ टाइम होता है चिल मारने के लिए, चिल आउट करने के लिए, तो आप उसमें बिंदास होकर इंटरव्यू पर्पस के लिए पढ़ो। येस पॉइंट्स आर वेरी गुड, गो फॉर इट, यू कैन रीड दिस स्टफ आफ्टर योर, सॉरी दिस वन मेंस, यहाँ पे इंटरव्यू, सॉरी बाय मिस्टेक, सो बट ऑन दैट टाइम यू हैव इनफ टाइम टू रीड दिस टाइप ऑफ स्टफ। सो मैं बोलूँगा जब मेंस आपके खत्म हो जाए फिर उसके बाद अभी इस तरह के स्टफ्स पढ़ो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गाइस कंक्लूजन के लिए कि ओवरऑल मैगजीन गुड है, ठीक ठाक है, बट येस यू हैव टू गो विद द स्मार्ट अप्रोच, बट इसका काउंटर ये बोलूंगा इकोनॉमिक सेक्शन और इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए ट्राई टू रीड दिस मैगजीन अलॉन्ग विद विजन आईएएस करंट अफेयर, बेस्ट है, फ्री में देता है भी बंदा। विजन आईएएस की साइट पर जाओ, आपको वहाँ से करंट अफेयर मिल जाएगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन जोन पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो गाइस मेरी तरफ से हल्की सी अप्रोच थी कि आप किस तरह से पढ़ें, किस तरह से ना पढ़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।